देखो जरा कितना ढीठ इंसान है, कब से हाल बचा रहा है, इसको सुनाई नहीं दे रहा। और रुको जरा, इसको तो मैं बताता। ओए मेम साहब, पहले तो आप ना तमीज से बात करें। आपके घर वालों ने आपको तमीज सिखाई है कि नहीं? ओए तुम्हें समझ नहीं आ रही, क्या मसला है तेरा, क्यों बदतमीजी में बदतमीजी किए जा रहा है? ओए मैकेनिक, बाइक साइड में होके ठीक करो। कितना ढीठ इंसान है यार, टच से मस नहीं हो रहा। देखो जरा कितना ढीठ इंसान है, कब से हाल बचा रहा है, इसको सुनाई नहीं दे रहा। और रुको जरा, इसको तो मैं बता। ओए दो टके के मैकेनिक, सुनाई नहीं देता, कब से हाल बचा रहे हैं, तुम होके पीछे हटे का नाम नहीं ले रहे, चलो पीछे हटो। ओए मेम साहब, पहले तो आप ना तमीज से बात करें। आपके घर वालों ने आपको तमीज सिखाई है कि नहीं? दो टके का मैकेनिक, मेरे घर वालों की बात मत कर, चुपचाप बाइक हटाते हो कि पुलिस को बुलाऊं? ओए तुम्हें समझ नहीं आ रही, क्या मसला है तेरा, क्यों बदतमीजी किए जा रहा है, बाइक साइड पे क्यों नहीं कर रहे? भाई बदतमीजी मैं नहीं कर रहा, बदतमीजी तो आप लोग कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ बाइक। चुप कर जा, चुप, एक लफ्ज भी और बोला ना तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। सर क्यों इनके मुंह लग रहे हैं, हम बाइक उधर साइड पे कर लेते हैं। एक घंटा हो गया इंतजार कर रहे हैं, अभी तक हमारा इंटरव्यू नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, बॉस ने आप दोनों को अंदर बुलाया। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। मे आई कम इन सर? यस। हेलो सर, प्लीज सिट डाउन। ओए ओए तुम तो मैकेनिक हो, ये मैकेनिक यहाँ पे कैसे आ गया? ओए तुम यहाँ कैसे? मैं ही इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। वो तो मेरे मुलाजिम की बाइक वहाँ ख़राब हो गई थी, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था और मैंने उसकी हेल्प कर दी और आप लोगों ने मुझे मैकेनिक समझ लिया। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दें, हम समझे कि आपको ये मैकेनिक है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमें गलतफहमी हो गई थी, आइंदा हम किसी के साथ भी ऐसी बदतमीजी नहीं करेंगे सर। आज आप लोगों ने एक शख्स की सिर्फ इसलिए बेइज्जती की कि आप लोगों को लगा कि वो एक मैकेनिक है, और अब आप लोग मुझसे इसलिए सिर्फ इज्जत से बात कर रहे हो कि आप लोगों के सामने एक अमीर शख्स बैठा है। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हम आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। देखें, किसी का रुतबा और मुकाम देख के उसकी इज्जत नहीं करते, बल्कि हर इंसान की बराबर इज्जत करना हमारा इखलाकी फ़र्ज है। और अब फिलहाल मैं आप दोनों को नौकरी नहीं दे रहा, आप लोगों को नौकरी की नहीं तरबियत की ज़रूरत है, आप लोग जा सकते हैं।